ये दवाई देना। जी मैम। ये तो मुस्लिम है। ये लीजिए मैडम। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए दवाई, मैं कहीं और से ले लूंगी। अरे क्या हुआ मैडम, क्यों नहीं चाहिए, अभी तो आपने मांगी है दवाई। कहा ना नहीं चाहिए, कहीं और से ले लूंगी। अरे मैडम यार बड़े अजीब लोग हैं, अभी तो दवाई मांग रही थी एकदम से मना कर दिया। भैया ये दवाई देखना। आप एक मिनट दीजिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ। सॉरी मैम, ये हमारे पास नहीं मिलेगी। क्या आपकी इतनी बड़ी शॉप है और आपके पास ये दवाई भी नहीं है? मैडम एक्चुअली बात ये है कि ये मेडिसिन ज़्यादा सेल नहीं होती, इसी वजह से हम रखते नहीं हैं। ठीक है। ये दवाई हो गई? क्या करूं, किसी भी मेडिकल पे ये दवाई नहीं मिल रही है और ये दवाई बहुत इम्पोर्टेंट है मम्मी के लिए, वरना मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इतने सारे मेडिकल चेक कर ली, कहीं भी नहीं है। मुझे लग रहा है मुझे उस मुसलमान के पास वापस जाना पड़ेगा। पता नहीं वो मुझे अब दवाई देगा भी या नहीं देगा। हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। चलो उस जगह पास जाके देखती हूँ। वो दवाई चाहिए थी। अरे हाँ हाँ मैडम, ये लीजिए आप अपनी दवाई, 300 रुपये हो गए आपके। पर आपको कैसे पता कि मैं आपकी शॉप पे दोबारा आऊँगी और आपने दवाई भी निकाल के रखी हुई है? अरे मैडम मेरे को पता था कि आप वापस मेरी शॉप पर ही आएंगे, क्योंकि ये दवाई आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जिस तरीके से मैं सुबह गई थी, मुझे लगा आप मुझे अब दवाई दोगे ही नहीं, लेकिन आपने जो दवाई निकाल के रखी हुई थी। हाँ मैडम मुझे पता है आप इस सुबह मेरे से दवाई क्यों नहीं लेकर गई, क्योंकि आपने मेरे को कैप पहनते हुए देख लिया था ना, और मैं एक मुसलमान हूँ। मैडम सच बताऊँ ना, ये हमारी सोच बन चुकी है और स्टार्टिंग से हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ है। लेकिन अगर अब मैं धर्म वगैरह और जाति वगैरह लेके बैठ गया तो फिर मैं अपना बिजनेस कैसे चलाऊँगा? मैं तो पहले अपना बिजनेस देखूँगा ना, और मैं इन धर्म वगैरह पर बिलीव नहीं करता। मेरे लिए पहले ये ज़रूरी है कि एक मरीज़ तक मेरी दवाई जितनी जल्दी से जल्दी पहुँच जाए और वो ठीक हो जाए, मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है। अब अगर धर्म वगैरह के बारे में ज़्यादा सोचूंगा तो फिर मैं अपना बिजनेस कैसे मैनेज कर पाऊँगा? और वैसे भी मैडम ये जो धर्म जाति ये आपके और हमारे जैसे लोगों ने तो बनाई है, अब आप खुद ही बताओ, आपका भी खून लाल है हमारा भी खून लाल है, तो फिर फ़र्क क्या हुआ? आखिरकार है तो हम इंसान ही ना। अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचें ना तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक कहा आपने, गलती तो हम जैसे इंसानों की होती है जो हर किसी की बातों में आराम से आ जाते हैं। लेकिन आज के बाद ना मैं सबको एक ही नज़र से देखूंगी, चाहे कुछ भी हो। और थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी सीख देने के लिए। जी मैडम ठीक कहा आपने, और मैं खुद ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ना ये आपस में हमारी नफरत ख़त्म हो जाए और लोगों की सोच बदल जाए। पेटीएम? जी मैम। हो गया। ओके थैंक यू मैम।